हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों का एक डीमोटिवेशन फैक्टर मेरे को लगता है कि हम डाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ओवर बजट है। फिटनेस एक महंगा शौक है, लाइक पतले होने के लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीज़ें या फिर आपको महंगी सब्जियां और महंगी चीज़ें चाहिए होती हैं डाइट करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक इस टाइप के एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनको बार्ले का आटा, जौ का आटा भी नहीं मिल पाता, बट उनके अंदर एक साफ नीयत है कि हाँ हमें डाइट करना है। उनका एक फोकस है कि हमें पतला होना है, रास्ता क्या है पता ही नहीं। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक लो बजट, बहुत ही सिंपल लो बजट डाइट जिसकी हेल्प से आपका PCOD क्योर होगा, जैसे समृद्धि का हुआ है बिफोर एंड आफ्टर। सेकेंड इज इसकी हेल्प से आपके एक्ने रिड्यूस होंगे। थर्ड इज इसकी हेल्प से आपका वेट रिडक्शन के साथ साथ आपका पीरियड्स का जो फ्लो है वो आएगा, या फिर आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो रेगुलर होंगे। जैसे जैसे बॉडी से फैट शेड होगा वैसे वैसे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। या फिर जिन जिन लेडीज़ को पीरियड्स बहुत लंबे समय से नहीं आए, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, तब भी इस टाइप की हेल्प से आपके जो पीरियड्स हैं वो आएंगे। तो ये जो डाइट है ये बहुत ही सिंपल है, लो बजट है, इसके लिए कोई खासी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अपना बजट सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डाइट करना है, या फिर आपको सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आ नॉर्मल घर की चीज़ों से हम ये डाइट करेंगे और आपका वेट लॉस होगा ईजिली 7 to 8 kgs। या फिर अगर बहुत ही मेहनत से आप कर रहे हो, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ध्यान में रख के, अपना स्ट्रेस लेवल को हाथ में रख के, अपना ट्रैवल को बिल्कुल देख कर, प्लस अपनी तबीयत को संभाल कर, कुछ लोग होते हैं केयरलेस बिहेवियर दिखाते हैं, डाइट चल रहा होता है बीच में खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, या फिर एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रैवल की वजह से, तो जर्नी जो है वो रुक रुक के चलती है। बट अगर आप अपने सारे फैक्टर्स को हाथ में लेके चलोगे, यू कैन ईजिली लूज 10 kgs बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से। सो ये जो डाइट है स्पेसिफिकली फॉर PCOD लोगों के लिए है। इसमें मैंने दालें बहुत ज़्यादा ऐड करी हैं जिसकी हेल्प से आपकी जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बाल बहुत गिरता है PCOD वाले लोगों के लिए, बाल थिनिंग की प्रॉब्लम आती है, रूट से बाल गिर रहा है वो भी गिरना बंद हो जाएगा। सो ये डाइट क्या है, इसमें कैसे चलना है, सबसे पहला रूल वेट अपडेट। आपको अपना मॉर्निंग का वेट अपडेट डेली बेसिस पे चेक करना है। किसी भी एक बंदे को पकड़ो जिसको आप डेली बेसिस पे अपना वेट अपडेट व्हाट्सएप पे भेज सको कि day 1 डेट एंड दिस इज योर डेली का वेट अपडेट। सो या दैट्स द ओनली 1 homework आपको करना है। सेकेंड इज आपको नींद का ध्यान रखना है, 8 घंटे की नींद, 10 से 7 की, 11 से 8 की। 8 बजे के बाद मत उठना, नहीं तो फिर आप डाइट ही छोड़ दो, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पानी 2.5 से 3.5 लीटर के बीच का पानी, ज़्यादा भी मत लेना, कम भी नहीं लेना, और सिप सिप करके पूरे दिन पानी को पीना है। बॉडी को बिल्कुल ठंडा रखना है, चिल रखना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा आएगा करना नहीं है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है। सो ये डाइट कैसे करनी है, कैसे इसका स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, उसके लिए चलते हैं हम किचन में। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक हम बनाएंगे घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से। सो यहाँ पे मैंने सोक करा हुआ है तेज पत्ता। हमारे पास 3 ड्रिंक्स के ऑप्शंस है इस डाइट के लिए। यहाँ पे मेरे पास है तेज पत्ता, सोक किया हुआ तेज पत्ता का वाटर, सोक किया हुआ अजवाइन यहाँ पे 1/2 स्पून, या फिर यहाँ पे हमने लौंग क्लोव सोक कर रखे है 5 to 6 आधे कप पानी के अंदर, और ये पूरी रात हमें सोक करना है। मॉर्निंग में उठ के हल्का सा गर्म करके छान के हम पी सकते हैं। सो ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास फॉर मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक जी। सो अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही सिंपल सा हम बनाएंगे सब्जियों वाला बेसन का चिल्ला। उसकी रेसिपी कैसी है, चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी बेसन का चिल्ला। सो ये रहा मेरे पास बेसन, 2 बड़े चम्मच हमने बेसन डाल दिया इसमें। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे अजवाइन। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है अनियन। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है बीन्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ओके, सो दिस मिक्सचर इज रेडी। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो तवा है ये बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं ड्रॉप ड्रॉप करके थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। ओके, ये रहा हमारा मिक्सचर।
Alright, so here is the thick paste. And इसके ऊपर हम लगाएंगे एक से दो चम्मच छोटे चम्मच घी और ये बिल्कुल रेडी. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए बेसन और गेहूं की रोटी. मिस्सी रोटी बेस्ट रोटी, मतलब कि अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो तब भी आप मिस्सी रोटी ही ऑप्शन चूज किया करो अपने लिए ड्राई सब्जी के साथ. तो मिस्सी रोटी हमने कैसे बनानी है चलते हैं किचन में. ओके, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बेसन और गेहूं की रोटी. ये रहा मेरे पास गेहूं का आटा 1 कप, ये रहा मेरे पास सेम क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने लिया बेसन. इसके अंदर अब हमने डालना है पिंच ऑफ अजवाइन क्योंकि थोड़ी सी एसिडिटी ना बन जाए आपको, हिंग पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, दैट्स इट. और अब हम इसका गूंद देंगे आटा. सो ये रहा हमारा बेसन एंड गेहूं का आटा, ये रेडी है. एंड अब हम बनाएंगे इसकी चपाती. ओके, सो हियर इज चपाती. And this breakfast is ready. Next, अगर ये सब खाने का भी मन नहीं है, जी मुझे ये सब नहीं खाना और मैं खा के बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि ये जो डाइट है वो लंबे समय तक चलनी है. आपका जर्नी चलना है ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी आप इस डाइट को कैरी कर सकते हो अगर आपका वेट लॉस जर्नी लंबा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू लूज 25 किलो 30 किलो 35 किलो, तब भी आपकी ये जो डाइट है वो लंबी चलेगी. नेक्स्ट ऑप्शन जो ब्रेकफास्ट का होगा उपमा. ये रही उपमा की रेसिपी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये रेसिपी पिक कीजिए, बनाएं, बहुत सारी सब्जियाँ डालें, जो भी मिल रही है वो वाली सब्जी डालें और उपमा बनाएं. सूजी बहुत सस्ती मिलती है और बहुत इजी ऑप्शन है बनाने के. नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास दलिया. नाउ मल्टीग्रेन दलिया, जौ का दलिया बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में, ईजिली पतंजलि पे मिलता है, आप लेके आएँ और दलिया बनाएं. दलिया ये रहा. नेक्स्ट ऑप्शन आता है चिल्ला, मूंग दाल का चिल्ला. ये रही रेसिपी, बहुत ही सिंपल है. मूंग दाल सबके घर में होती है, सबके घर में होती है. ग्रीन मूंग दाल का चिल्ला, ये रही रेसिपी, बहुत ही सिंपल है, घर पे बनने वाली है और सबके घरों में ये दाल होती ही होती है. और ये एक बेसिक चीज़ है, दालें जो घर में सबके होती है. ब्रेकफास्ट के साथ अगर आप एडिक्टेड हो चाय और कॉफ़ी की, मुझे चाय अच्छी लगती है, मैं चाय के बिना नहीं रहती, सो आप अपना 1 कप मिल्क टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं, बट मेक श्योर इट शुड बी विदाउट शुगर. तो अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. सो मिड ब्रेकफास्ट में क्या लेना है चलते हैं किचन में. ओके जी, सो अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. मिड ब्रेकफास्ट में या तो आप लोगे कोई भी सीजनल फ्रूट, बट अगर आप सीजनल फ्रूट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, देन वी हैव दिस खीरा एंड टमाटर. टमाटर के सीड्स निकले हुए हैं एज अ सैलड, आप इसको मिड ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे. वेलकम बैक जी. सो अब हम बात करते हैं लंच. लंच में मैं यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ बोलूँगी, घर में आपकी जो भी दाल है वो कुक्ड दाल के साथ आप खीरा प्याज टमाटर अपना लीजिए सलाद बना के पूरा अच्छे से. बट इसके अलावा आप ले सकते हो दाल सैलेड, वाइट चना सैलेड, ब्लैक चना सैलेड, या फिर यहाँ पे येलो मूंग दाल का सैलेड. ये जितनी दालों के सैलेड्स यहाँ पे मेरे चैनल पे, इनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो और वो ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं लेना, आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं. मेरे चैनल पे कोल्ड कॉफ़ी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप उनमें से कोई भी एक रेसिपी पिक कर सकते हैं, आप ओला कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए ले सकते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग ड्रिंक की. इवनिंग ड्रिंक में हमें क्या लेना है चलते हैं किचन में. ओके, सो अब हम चलते हैं इवनिंग टी की तरफ. इवनिंग टी के लिए मेरे पास ये है ग्रीन टी, एकदम लूज मंगाई हुई थी मैंने. सो पॉइंट इज कि आप किसी भी टाइप का ग्रीन टी जो है वो यूज़ कर सकते हो, कोई भी ग्रीन टी, बट मेक श्योर वो अच्छा हो. ऑर्गेनिक इंडिया के आई गेस 250 रुपये की आती है, मतलब अच्छी मानती हूँ मैं. सो यहाँ पे लिया हमने गरम पानी, गरम पानी के अंदर डाल दिया हमने आधा चम्मच जितना ये ग्रीन टी. खूब अच्छे से इसको मिलाएंगे, 2 से 3 मिनट इसको रख कर स्ट्रेन करके हम इसे पियेंगे. साथ में हमें स्नैकिंग के लिए क्या चाहिए. नाउ स्नैकिंग के लिए एक बेसिक स्नैक जो हमारे सबके घर में होता है, भुना हुआ चना विद थोड़ा सा गुड़, या फिर हमारे पास भुना हुआ मखाना. दोनों ही बजट की चीज़ें हैं, दोनों ही बहुत ही
आई गेस चीप मिल जाती है मार्केट में. यस वेलकम बैक जी. अब आते हैं जी डिनर पे. डिनर के टाइम पे ना आपका माइंड थोड़ा सा मतलब कि हिलहिलाएगा, मतलब कि आपका मन करेगा कि चल यार डाइट छोड़ यार, आज की जिंदगी आज जी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, क्या करना है डाइट करके, कल आएगा डाइट हम करेंगे काटा. ऐसी जो भावनाएं और फीलिंग अगर आपको आती है, सो उसके ऊपर हम मारेंगे बिग वाला क्रॉस, क्योंकि हमने पूरा दिन मेहनत करा है. हम एक बहुत बड़ी चीज़ से लड़ रहे हैं, वो है हमारा PCOD, जिसकी वजह से आपका लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपके हॉर्मोन्स, आपका हेयर फॉल, आपके एक्ने, आपके अनवांटेड हेयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं. तो उससे हमें फाइट करना है, आगे निकलना है, वेट लॉस करना है. सो डिनर के ऑप्शंस क्या क्या होंगे? टमाटो सूप, पम्पकिन सूप. पेठा बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में, टमाटर एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, सबके घर पे होते हैं. चलो जी, सूप पीने का मूड नहीं है, हमें नहीं पीना. नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है मिक्स वेज सब्जी, मतलब बहुत सारी सब्जियों का मिक्स वेज बना के मैंने 5 साल पहले ही वीडियो डाली थी, एंड ये भी आप ले सकते हो एक कटोरी. नेक्स्ट ये भी नहीं खाना, पालक का साग. पालक के साग की ये रही वीडियो, 3 ऑप्शंस है, तीनों में से कोई भी आप पालक का साग ले सकते हो. अभी वैसे भी सर्दियां आ जाएंगी, पालक वैसे ही बड़ी सस्ती मिलती है, 10 रुपये या 20 रुपये में आपको 2-3 गुच्छी आराम से मिल जाएगी. इसके अलावा भी आपको ये नहीं खाना, ब्रिंजल सैलेड, बैंगन के सैलेड. एक बैंगन मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा 15-20 रुपये का. सो यस, एक ब्रिंजल सैलेड की एक आप बाउल बना सकते हैं. सो ये सारे थे ऑप्शंस हमारे पास डिनर के. अब बात करते हैं नाइट ड्रिंक. नाइट ड्रिंक के लिए कुछ भी एकदम महंगी वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए. एक बेसिक पौधा जो हम सबके घर पे होता है, वो है कड़ी पत्ता. कैसे लेनी है नाइट ड्रिंक? चलते हैं किचन में. सो मूव करते हैं नाइट ड्रिंक में. नाइट ड्रिंक में कड़ी पत्ता, सबके घर में ये पौधा होता है और बेसिक पौधा हर गली में भी होता है. मतलब हमारे नेबर्स के पास बहुत सारे अच्छे कड़ी पत्ता हैं, हमारे घर पे भी है. सो हमने लेने हैं 8 से 10 कड़ी पत्ता, अच्छे से वॉश करके च्यू करेंगे, उसके साथ हम पियेंगे रात को आधा कप जितना गर्म पानी. दैट्स इट. वेलकम बैक जी. सो ये था बिल्कुल सिंपल सा एक डाइट, बहुत ही सिंपल लो बजट डाइट, जिसकी हेल्प से आप इजीली वेट लॉस कर सकते हो. जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैं इसी तरीके से चलती थी कि लो बजट चीज़ें देखनी है जो मेरे बजट की हो, क्योंकि पैसे ही नहीं है मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसे नहीं होते, एंड बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जो सिर्फ साफ नीयत रखते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हमें चीज़ें करनी है, हमें आगे बढ़ना है, और वेट लॉस के बाद हमें चीज़ों को सॉल्व करना है अपनी लाइफ में जितने भी ट्रबल्स आ रहे हैं. ट्रस्ट मी, वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जब आप उसको कर लेते हो, 90% आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दूर हो जाती है, क्योंकि आप खुद ही पंगों में नहीं पड़ते वेट लॉस के बाद, आपको अपने बॉडी से इतना प्यार हो जाता है. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. सो मेक श्योर आप, PCOD कोई बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है, इसको फाइट करने के लिए बहुत सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं, और सबसे पहला स्टेप है आपका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. सो फाइट करो अपने PCOD से, अपने करियर बनाओ, अपनी सेविंग करो, अपना घर बनाओ. सो दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. सो टेक केयर जी, बाय बाय.